तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जहां पर आप 1000 रुपये से लेकर डेली का 5000 रुपये तक कमा सकते हैं। मतलब कि महीने की बात करें तो 30000 रुपये महीने से लेकर 1.5 लाख रुपये महीने तक की आप आमदनी कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ 1000 रुपये लगा के आप ये इतनी बड़ी इनकम क्रिएट कर पाएंगे। और दूसरा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, इस कंपनी के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको ना ही किसी तरह की दुकान किराए पे लेने की ज़रूरत है, ना ही ऑफिस को, ना ही किसी तरह के एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत है और ना ही आपके किसी तरह के रनिंग एक्सपेंसेस रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरियाणा से मनोज मौर और एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सीख ले इंडिया में स्वागत करता हूँ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ पर चारों तरफ सभी दुकानें सभी ऑफिस बंद पड़े हैं तो वहाँ पर कमाई करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, वो है ऑनलाइन अर्निंग का। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं मगर उन्हें ये नहीं पता कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से की जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, अगर आप अपना अमेज़ोन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट इस तरह से जिन कंपनियों के जो स्टोर हैं वैसा अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन स्टोर के बेनिफिट क्या है और इसे कैसे खोल सकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताऊंगा कि उस कंपनी के साथ जुड़ के आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है, वेब होस्टिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद उस वेबसाइट को आपको डिज़ाइन करवाना पड़ता है, फिर आप उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, फिर अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करवाते हैं, फिर जब आपके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको किसी कोरियर कंपनी से टाई अप करना पड़ता है। तो जो इसे सारा का सारा प्रोसेस है अगर आप इसे खुद करते हैं तो मिनिमम अगर मैं लागत बताऊं तो 50000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का आपका खर्चा पड़ जाता है अगर ये सारा का सारा सिस्टम स्टोर आप अपना खुद का करते हैं तो। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जहाँ पर सिर्फ आप 1000 रुपये लगा के ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो जिस कंपनी की बात मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है TTCT Shops। अगर इस कंपनी की वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट है www.tctshop.in। तो अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करने के लिए आपको इस कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करना है जहाँ पे जाके आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 1000 रुपये लगा के पूरी लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद क्या होगा कि आपके स्टोर से जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको कमीशन होगा, ना ही आपको उसको किस कहीं पर जाके बेचना है, ना ही किसी तरह की आपको मार्केटिंग करनी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको करना है तो आपका जो एक वेब लिंक क्रिएट होगा उस लिंक को बस आपको प्रमोट करना है। आप अपने सोशल मीडिया के द्वारा उसको प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा कर सकते हैं। तो उस लिंक को सिर्फ आपको प्रमोट करना है और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद सामने वाले कस्टमर को वहाँ पर जाने के बाद ढेरों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हर कैटेगरी के अंदर 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे और जो भी प्रोडक्ट वो खरीदेंगे उस वेबसाइट से तो आपको उससे 20% कमीशन मिलेगा। मतलब कि मान के चलिए उस वेब लिंक पे क्लिक करके किसी ने 10000 रुपये का सामान खरीद लिया, कोई भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हर तरह के आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो आपका कमीशन बनता है 2000 रुपये। मतलब कि 20% ही आपका फिक्स मार्जिन रहेगा। यहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है और सिर्फ आपको उस वेब लिंक को प्रमोट करना है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना आपको, किसी तरह की मार्केटिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको अपने लिंक को प्रमोट करना है। तो सबसे पहले जो ये तरीका है ऑनलाइन स्टोर ओपन करने का, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जाके ये प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं। स्टोर को ओपन करने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है। जब आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको रेफरल लिंक दिखाई दे रहा है, इसको वहाँ पर डालेंगे और आपका ऑनलाइन स्टोर ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं लाइव आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके दिखाता हूँ। तो अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है TTCShop.in, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। आपको यहां पर टाइप करना है TTCShop.in तो कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी। आप इसका इंटरफेस चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको हर कैटेगरी के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे होम अप्लायंसेस, किचन, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पर स्क्रॉल करके आप सभी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो यहां पर आप हर कैटेगरी के प्रोडक्ट देख सकते हैं और लॉकडाउन और कोरियर सर्विस जैसी ओपन हो जाएंगी तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करने के लिए यहां पर आपको क्लिक करना है ओपन ऑनलाइन स्टोर।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पहले से आपने ये स्टोर को ओपन कर रखा है तो यहाँ से आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के उसे लॉगिन कर सकते हैं, अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है जिसके अंदर ये सारी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे, योर नेम, फोन नंबर। जैसे आप अपना फोन नंबर डालेंगे और ओटीपी वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपके फोन के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। रेफरल कोड के अंदर आप याद रखेंगे, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है, और वैसे मैं बता भी देता हूँ आपको, यहाँ पर शॉप 411848, शॉप 411848 ये रेफरल कोड आपको यूज करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो ये मैं डिटेल सारी भरने के बाद आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। तो देखिए, जैसे ही आपने साइन अप किया तो यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गए हैं। 1000 रुपये आपको पेमेंट करनी है, जो आपको पूरी जिंदगी में सिर्फ वन टाइम ही पे करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो मैं यहाँ भीम यूपीआई से पेमेंट करता हूँ। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर आप अपनी भीम यूपीआई आईडी को डाल के पे पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए, जैसे आपने फोन पे, मैंने यहाँ पर फोन पे को यूज किया है, तो आपके मोबाइल में जो फोन पे एप्लीकेशन है आप वहां पर जाके चेक कीजिए, वहां पर आपको 1000 रुपये की पेमेंट का ऑप्शन आ गया होगा, उसे आप यस कर दीजिए, अपने अपना पासवर्ड डाल के आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही वहां पर पेमेंट सक्सेसफुली होगी, तो देखिए वहां पर मैंने पेमेंट की, तो यहां तो जैसे ही आप अपनी पेमेंट करते हैं तो आपके सामने अपना स्टोर ओपन हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना बिजनेस का नेम रखना है, जैसे कि मैंने यहां पर अपने बिजनेस का नेम रख दिया है सीख ले इंडिया, जिसे आप अपडेट कर देंगे। एस वॉलेट का मतलब है शॉपिंग वॉलेट, मतलब कि आप अपने रेफरल कोड, मान लीजिए आप अपने रेफरल कोड से किसी का अकाउंट ओपन कराते हैं, एक अकाउंट पे आपको 200 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ पर वो आपके अकाउंट में शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने किसी का अकाउंट एक ओपन किया 200 रुपये, दो ओपन किए 400 रुपये, तो जैसे ही यहाँ पर 1000 रुपये हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ बिलिंग डिटेल में आप अपना अकाउंट नंबर ऐड कर देंगे, वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो डाल देनी है, KYC आपको अपडेट कर देनी है, और बिलिंग डिटेल पे मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर बिलिंग डिटेल पे आप क्लिक करके आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें डाल देंगे ताकि आपका अकाउंट अपडेट हो जाए, और हर शुक्रवार को अगर आपके पास 1000 रुपये आपके इस वॉलेट में है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, बैंक ब्रांच नेम, बैंक सिटी, और उसे आप अपडेट कर देंगे तो आपका अकाउंट जो वो अपडेट हो जाएगा। अब बात आती है कि इससे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं रेफरल। तो यहाँ पर देखिए एक एफिलेटेड लिंक दिखाई दे रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए मैं एक नया टैब ओपन करके और उसमें पेस्ट करता हूँ, तो देखिए ये जो मेरा रेफरल कोड है शॉप 411848 वो लग के यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हुई है। मतलब कि अब अगर इस वेबसाइट से कोई भी सामान खरीदता है तो वो हमारे रेफरल आईडी के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आपका भी एक रेफरल लिंक बन जाएगा, उसे आप कॉपी कीजिए, अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सअप, आपके फ्रेंड, जो भी आप जिस भी माध्यम से इस लिंक को पहुंचा सकते हैं, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये स्टोर खुल जाएगा, और उस स्टोर में से कोई भी वो आइटम खरीदते हैं, चाहे वो आपका होम का हो, किचन का हो, हार्डवेयर का हो, किसी भी तरह के कितने भी आइटम खरीदते हैं, तो वो सारे के सारे आपके रेफरल में माने जाएंगे। मान लीजिए उन्होंने 10000 रुपये की शॉपिंग की तो उसका 20% आपको मिलेगा, मतलब कि 2000 रुपये आपका कमीशन अपने आप आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। और उसे यूज़ करके किसी ने अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया तो आपको 200 रुपये उसे कमीशन मिलेगा एक रेफरल कोड से। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी कि आपने टोटल आपके रेफरल से कितने प्रोडक्ट बिके, ये सारा डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरे तरीके के बारे में बताता हूँ। ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन से आप किस तरीके से इनकम कर पाते हैं। पहला तरीका तो मैंने बताया कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन कीजिए और अपने लिंक को प्रमोट कीजिए। जब भी कोई आपके स्टोर से प्रोडक्ट को खरीदेगा तो आपको 20% मार्जिन मिलेगा। अब बात आती है, मान लीजिए जैसे आपने अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन किया, आप अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव का, या फिर सोशल मीडिया के द्वारा किसी का ऑनलाइन स्टोर ओपन करवाते हैं तो आपको हर ऑनलाइन स्टोर ओपन करवाने पे 200 रुपये मिलते हैं। तो मान लीजिए आप डेली के 10 ऑनलाइन स्टोर ओपन करवाते हैं तो एक ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपको 200 रुपये कमीशन मिलता है, तो 10 के ऊपर आपकी 2000 रुपये की इनकम होती है। अब बात करते हैं विड्रॉल सिस्टम की,
कि ये सारा पैसा हमें अपने अकाउंट में किस तरीके से मिलेगा। तो ये जो कंपनी है ये हर शुक्रवार को पेमेंट देती है, मगर उसके लिए आपके अकाउंट में मिनिमम 1,000 रुपये का होना ज़रूरी है। जैसे ही आपके अकाउंट में 1,000 रुपये होंगे तो जो भी फ्राइडे होगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में वो पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी। बस आपको अपने ऑनलाइन स्टोर में अपने अकाउंट की डिटेल फिल करके रखनी है, ऑटोमेटिक हर फ्राइडे को आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी, चाहे वो आपके ऑनलाइन स्टोर से कोई प्रोडक्ट बिका हो या फिर आपने किसी का ऑनलाइन स्टोर ओपन करवाया हो। फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी की सारी डिटेल दिखाई दे रही है, आप इन्हें कॉल करके सारी जानकारी जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।